जैसा कि बताया गया कि आज मैं अपने मंत्रालय के सब वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्रीनगर आया। मेरे साथ विक्रम साहे, संयुक्त सचिव सूचना प्रसारण, डीजी ऑल इंडिया रेडियो श्री रेड्डी, श्री मयंक अग्रवाल डीजी दूरदर्शन, ये भी मेरे साथ आज दिल्ली से इधर आए हैं। हमने आज मुख्य सचिव और उनके अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक करी, जिसका प्रमुख उद्देश्य था इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा, उसका पूरे भारतवर्ष में लोगों तक उसकी तैयारी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहुंचाना, जिससे अधिक से अधिक श्रद्धालु इस यात्रा में इस वर्ष समावेश हो सके और वो लोग बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर सके। उस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू के और कश्मीर के वो भी उपस्थित थे, डीसी गंडरबल के और रामबन के वो भी उपस्थित थे। जैसा हमारी चर्चा हुई उससे इस वर्ष जो जम्मू और कश्मीर का प्रशासन है उन्होंने पूरी तैयारी करी है कि इस वर्ष की यात्रा आज तक की जितनी अमरनाथ यात्रा हुई है उनमें सबसे भव्य हो। अपेक्षा ये है कि 6 से 8 लाख श्रद्धालु इस वर्ष अमरनाथ यात्रा में सम्मिलित होंगे। ये संख्या आज तक जो लोग यात्रा हुई है, अपेक्षा यह है कि ये आज तक की यात्राओं से दुगनी होगी। और प्रशासन ने पूरी व्यवस्था, चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे रहने की हो, चाहे टॉयलेट्स की और सैनिटेशन की हो, चाहे रहने की हो, इस हिसाब से करिए कि जो आज तक की सबसे भव्य अमरनाथ यात्रा हो उससे दुगनी इस बार की हो। और हमारा प्रयास यहाँ आने का यही है कि ये जो प्रशासन ने जो काम किया है इसकी हम इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से पूरे देश में सब श्रद्धालुओं को दे सके कि आपका जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन की तरफ से आपको न्योता है कि आप इस बार यात्रा में सम्मिलित हो और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। पूरी व्यवस्था प्रशासन ने पूरी तरह से चोख व्यवस्था करी है। जैसा बताया गया कि पहले जम्मू से श्रीनगर रोड मार्ग पे बस को आने में 12 घंटे लगते थे, परंतु अब 5 से 6 घंटे से अधिक इस रास्ते पे नहीं लगते। पहले जम्मू से श्रीनगर आने में रास्ते में एक दिन का विश्राम करना पड़ता था, परंतु अब क्योंकि रास्ता इतना अच्छा हो गया है कि आप 5-6 घंटे में श्रीनगर पहुंच सकते हैं, तो वो एक दिन यात्रा का कम हो जाएगा क्योंकि आप सीधा जम्मू से शुरू होंगे और यहाँ श्रीनगर पहुंच सकते हैं। रामबन में 3,000 श्रद्धालुओं को के रहने की व्यवस्था करी गई है। जैसा डिप्टी सीईओ श्राइन बोर्ड ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आरएफआईडी टैग उपलब्ध किया जाएगा, जिससे कि सिक्योरिटी की पूरी चौक व्यवस्था रहे, कौन कहाँ है उसका पता चलता रहे। और पूरी व्यवस्था में कोई भी किसी भी श्रद्धालु को कोई किसी तरह की परेशानी ना आए, इसका जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम ये जो यहाँ पर व्यवस्थाएं करी गई हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भारतवर्ष में सब क्षेत्रों में सब भाषाओं में लोगों तक पहुंचाएं